वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे दोस्तों कि जो नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख नगर या शहर है, देखिए इससे आपको डिफेंस में आप किसी भी डिफेंस का ले लीजिए, चाहे इंडियन आर्मी का स्पेशल तो एक नंबर आपको पूछा ही जाएगा आर्मी में। ये मैं आपको बता दूंगा, आप इसको लिख के रखिए कि एक नंबर आपको इंडियन आर्मी के आप किसी भी ट्रेड से ऑल ट्रेड। लेकिन दोस्तों यदि आप SSC बिहार पुलिस या अदर कोई भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, यानी कि बोले तो डिफेंस स्पेशल, यानी कि स्पेशल डिफेंस के आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक नंबर इन सभी क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा और आपके जानकारी के लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसलिए मैं बताऊँगा कि आप जो प्रमुख नगर और शहर है इसका जो है कौन नदी के किनारे बसा है, इसको आप लोग देख लीजिए कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पहला देखिए, यहाँ पूछा है शहर और यहाँ दिया है नदी। पूछा है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है, तो याद रखिएगा यमुना नदी। इलाहाबाद गंगा यमुना जानते ही हैं, अगर सरस्वती भी दे तो आप सरस्वती भी इसको लिख सकते हैं। दिल्ली देखिए यमुना, हरिद्वार जो है गंगा के किनारे है, फिरोजाबाद यानी कि फिरोजापुर जो है यह सतलुज नदी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछता है कि सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो फिरोजापुर पूछ देता है, या फिरोजापुर किस नदी के किनारे है, तो सतलुज के, तो आप इसको याद रखिएगा। कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे है, पटना भी जानते हैं गंगा नदी के किनारे, श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे है, झेलम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाने वाला, झेलम नदी के किनारे जो बसा है श्रीनगर, याद रखिएगा। सूरत ताप्ती गंगा, यानी कि ताप्ती गंगा जो एक्सप्रेस चलता है सूरत के लिए, तो वहीं ताप्ती नदी जो है ये सूरत के किनारे है, यानी कि ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। कोलकाता देखिए हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ देखिए गोमती, डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही बसा है, क्योंकि ऑल ओवर आसाम देख लीजिए तो आपको ब्रह्मपुत्र ही दिखाई देगा, इसलिए आप याद रखिएगा डिब्रूगढ़ या गुवाहाटी दोनों है ब्रह्मपुत्र के किनारे। कोटा ये हमेशा पूछा जाता है कि चंबल नदी जो है कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो ये हमेशा कोटा नगर याद रखिएगा, कोटा, यानी कि ये भी पूछेगा कि कोटा किस नदी के किनारे है, तो चंबल नदी, या चंबल कहाँ है, तो ये कोटा से होकर के गुजरती है चंबल नदी। जबलपुर पूछता है, तो जबलपुर बताइएगा नर्मदा नदी। कटक जो है महानदी, कटक जो है ये महानदी शहर के, यानी कि जो कटक शहर है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है कटक। नासिक गोदावरी में बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम जो है ये कावेरी नदी के किनारे है। जैनपुर देखिए गोमती के किनारे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए जैनपुर गोमती, हैदराबाद मूसी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट देख लूँ। मथुरा जो है यमुना ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। स्वर्णरेखा ये जमशेदपुर शहर जो है स्वर्णरेखा के किनारे बसा हुआ है, स्वर्णरेखा के किनारे जमशेदपुर जो है बसा हुआ है। साबरमती के किनारे जो है अहमदाबाद शहर जो है ये साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली जो है रामगंगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बरेली रामगंगा। ओरछा बेतवा नदी के किनारे है, ओरछा जो है शहर बेतवा नदी के किनारे है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन इसको कह लीजिए। छिपरा जो है यानी कि उज्जैन शहर जो है ये छिपरा नदी के किनारे बसे हुए, छिपरा नदी उज्जैन शहर छिपरा नदी। बनारसी जो शहर है ये गंगा है, तो बनारसी या आपसे पूछ दे कानपुर, ये दोनों गंगा नदी के किनारे है यूपी में। लुधियाना ये सतलज। विजयवाड़ा कृष्ण नदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंडरपुर यानी कि बंडरपुर जो है ये भीमा नदी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडरपुर जो है ये भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुर्नूल जो है ये तुंगभद्रा के किनारे है, कुर्नूल तुंगभद्रा। बद्रीनाथ जो है ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है,
तो दोस्तों आई होप एक से लेकर के 33 तक क्वेश्चन आपने आसानी से इसको याद कर गए होंगे दोस्तों। यदि आपको देखिए देखने में अच्छा नहीं लगे आप इसको कान में ईयरफोन लगाइए और आसानी से इसको याद कर जाइए देख सुनते सुनते। तो दोस्तों ये 33 क्वेश्चन यदि आप याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको एक किसी भी डिफेंस से आप एग्जाम देंगे तो आपका एक नंबर 100% पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।